नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल लाइंस, हमारे खास एपिसोड क्वार्क स्फीयर की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने टेक्स्ट पर किस तरीके से स्ट्रोक को लगा सकते हैं, किस तरीके से आप आउटलाइन दे सकते हैं अपने फॉन्ट पर, और फॉन्ट पर जब आप आउटलाइन देते हैं तो आपका खूबसूरती बढ़ जाती है। दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कहीं से भी स्किप मत करिए, क्योंकि जब आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप स्किप कर दें, मिस कर दें। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए इस तरीके के लाल बटन दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल लाइंस को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होती रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगा करे तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक बटन को प्लीज़ जरूर से जरूर आप प्रेस किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी तरीके वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक अमेज़न यूज़र हैं और आप अमेज़न से प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे प्रोडक्ट का लिंक दिया हुआ है, तो आप चाहें तो उस लिंक को ओपन करके प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, जिससे आपके कोई भी अगर ऑफर चल रहा हो तो आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा, और अगर ऑफर नहीं चल रहा हो तो आपके प्राइसिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी तरफ से हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि आप अपने टेक्स्ट पर किस तरीके से आउटलाइन दे सकते हैं, किस तरीके से आप स्ट्रोक लगा सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों चलिए बताते हैं आपको कि आप किस तरीके से अपने टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट पर जो है उसका स्ट्रोक दे सकते हैं और किस तरीके से आप उसको अपने पेज पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले अपन ओपन कर लेंगे अपना क्वार्क एक्सप्रेस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपना क्वार्क एक्सप्रेस ओपन कर रहे हैं, और उसके बाद आपको एक पेज बनाना होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने एक यहाँ पर पेज ओपन कर लिया है जो कि हमने पहले से बनाया हुआ पेज है, और इसमें हम लोग टाइप करेंगे अपने हेडिंग को जिसके ऊपर हम लोग अपना स्ट्रोक देंगे। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रोक मतलब होता है हेडिंग के बाहर आउटलाइन। तो दोस्तों ये कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेंगे कोई चीज़। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने टाइप कर लिया है, और यहाँ पर अब हम इस हेडिंग को बड़ा कर लेंगे। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, और हेडिंग को बड़ा करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम इसका इसमें आउटलाइन देना चाहें तो इसके लिए हमको करना क्या है दोस्तों, कि आपको सिंपल सा यहाँ पर आइटम पर क्लिक करना होगा। आइटम पर क्लिक करने के बाद जो है फिर स्टाइल में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, और स्टाइल में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा टेक्स्ट टू बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टेक्स्ट टू बॉक्स पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक हेडिंग और निकल के आ जाएगी, जो कि बॉक्स के रूप में वो हेडिंग होगी। अब दोस्तों करना क्या है आपको उस हेडिंग के लिए, कि यहाँ पर जो बॉक्स के रूप में हेडिंग है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये आपका ऐसा हो चुका है, और अब हम कंट्रोल बी यहाँ पर प्रेस करेंगे, और कंट्रोल बी प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम जितना भी स्ट्रोक देना चाहते हैं तो आप अपना स्ट्रोक को दे सकते हैं, यानी कि आउटलाइन दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो हेडिंग है वो कुछ इस टाइप से हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी हेडिंग का जो आउटलाइन है वो बनकर आ चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप अपने किसी भी हेडिंग को आउटलाइन दे सकते हैं, और यहाँ पर आप किसी भी मैगजीन वाले पेज पर या फिर किसी भी न्यूज़पेपर के पेज पर इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग लिखना है। लिखने के बाद आपको स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट टू बॉक्स, और टेक्स्ट टू बॉक्स जैसे ही आप करेंगे आपके सामने एक और हेडिंग बन करके आ जाएगी, और उस हेडिंग पर आप आउटलाइन दे सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, साथ में ये बताइए कि आज के इस वीडियो से क्या आपने कुछ नया सीखा, क्या आपने कुछ नया जाना। दोस्तों अगर आपको वीडियो से किसी भी पार्ट में जो चीज़ ना समझ में आओ तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको नीचे दिए हुए इस तरीके का लाल बटन दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल लाइंस को सब्सक्राइब करना होगा, उसके बगल में आएगा नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे भी जरूर दबाना होता है कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होते रहे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए लाइक वाले बटन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी तरीके के नॉलेजफुल वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल देर मत करें, लाइक बटन को दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में तुरंत शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी ये जानकारी हासिल कर सके। दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक अमेज़न यूज़र हैं और आप अमेज़न से कई प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख लीजिए कि हमने कई सारे प्रोडक्ट
के लिंक दिए हुए हैं। अगर आप उनमें से कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वो लिंक ओपन करके प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। अगर कोई ऑफर चल रहा होगा तो आपको ऑफर का लाभ जरूर मिल जाएगा। अगर कोई ऑफर नहीं होगा तो आपके प्राइसिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी तरफ से हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।